स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपक टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज हम लोग क्विक सॉर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्विक सॉर्ट, इससे पहले हम लोग सॉर्टिंग में चार पार्ट कर चुके हैं, जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। क्विक सॉर्ट जो है वो आज हम लोग करने जा रहे हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स भी होता है। स्टैक हम लोग पढ़ेंगे सर्चिंग में, स्टैक की वो ऑपरेशन होता है जिसमें हम लोग इंसर्शन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं क्विक सॉर्ट क्या होता है। पहले उसका कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद एक हम लोग सॉल्व करेंगे। क्विक सॉर्ट का जो इन्वर्टर था वो है टोनी होरी। टोनी होरी जो है क्विक सॉर्ट का इन्वर्टर था। और क्विक सॉर्ट का जो वर्ड्स केस कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है n^2। बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होता है n log n होता है। क्विक सॉर्ट कौन सा मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? पार्टीशन के मेथड से। और क्विक सॉर्ट स्टेबल होता है, स्टेबल ही होता है। उसके बाद ये कौन सा क्लास में आता है? कंपैरिजन सॉर्ट में आता है। अब हम लोग ये कुछ प्रॉपर्टीज था, अब हम लोग एक सम्स को सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि सॉर्टिंग जो होता है वो होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हम लोग को एलिमेंट है, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस तरीका से इसको हम लोग सॉर्ट कर पाते हैं। ये जो हम लोग क्विक सॉर्ट करते हैं उसमें जो पहला एलिमेंट होता है उसको हम लोग पाइवट एलिमेंट पकड़ेंगे। उसके बाद इस एलिमेंट को हम लोग पीछे से लेंगे एक बार, जो सबसे छोटा पीछे से जो सबसे छोटा एलिमेंट रहेगा उसे यहाँ पर रख देंगे और इसे यहाँ पर रख देंगे, मतलब रिप्लेस कर देंगे हम लोग राइट साइड से। जैसे कि लेंगे छोटा लेंगे तो कौन सा छोटा है? 50 to 45 से बड़ा है, तो हम लोग किसको लेंगे? 13 को लेंगे। तो यहाँ पे 13 लिख देंगे, 13 के साथ रिप्लेस होगा। पीछे से हम लोग क्या बोले कि सबसे छोटा एलिमेंट जो रहेगा वो लेंगे और सामने से जो बड़ा एलिमेंट रहेगा उसके साथ रिप्लेसमेंट कर देंगे। ये पाइवट एलिमेंट है। अब सामने देखिए बड़ा क्या है, 55, तो इसके साथ रिप्लेसमेंट होगा। ये पास वन हम लोग ले लेंगे, पास वन करके ये 55 की जगह पर क्या हो जाएगा? 45। फिर इधर क्या आ जाएगा? 77, 90, 40, यहाँ पे 55 आ जाएगा और 52 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे से देखेंगे, पीछे से क्या इससे छोटा एलिमेंट लेंगे। तो सबसे छोटा क्या 40 है, तो 13 हो गया, 44 हो गया, इसको 40 के साथ रिप्लेस कर देंगे, 40 आ जाएगा, 77 आ गया, 90, ये 45 को यहां पे रख देंगे, ठीक है, 55 और 52, ठीक है। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, सामने के तरफ से जो बड़ा होगा स्टार्टिंग से उसे इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। 13, 44, 40 है, नहीं 77 इससे बड़ा है, क्या हो जाएगा? 77 को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं 45 से, 45, 90, 77, 52, 55 कर दी। ये हम लोग को पाइवट एलिमेंट है। अब देखिए इससे, अब इधर बड़ा करके इससे छोटा कुछ है इधर नहीं है, तो अब इसे हम लोग बना लेंगे सब लिस्ट। इसे सब लिस्ट वन इसे बना लेंगे सब लिस्ट टू, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं क्विक सॉर्टिंग में, पीछे से छोटा एलिमेंट लेते हैं, सामने से बड़ा एलिमेंट लेते हैं। पीछे से छोटा एलिमेंट 13 था तो रिप्लेस कर दिए पाइवट के साथ, सामने से जो बड़ा होगा उसके साथ क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, ठीक है।
अब हम लोग फिर से देखते हैं, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं रहने देता हूँ, नहीं तो अब इसको हमने रफ कर दिया, ठीक है। अब हम लोग सब लिस्ट वन को सॉल्व करेंगे, 45 को रहने दीजिए, अब सब लिस्ट वन, सब लिस्ट वन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, 13 है, 44 है, 40 है, तीन ही एलिमेंट लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 45 का इधर 12 को सब लिस्ट वन, इसको भी अब सेम तरीका से कुछ सॉर्ट के मेथड से सॉल्व करेंगे। 13 को हम लोग क्या लेंगे, पाइवोट एलिमेंट लेंगे, पाइवोट, ठीक है। अब देखिए 13 को पीछे से कुछ छोटा है, नहीं है, 13 छोटा तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा। अब 13 से मतलब कुछ बड़ा देखिए, बड़ा क्या है, 13 से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो 13 क्या हो जाएगा, फिर ये आपको सब लिस्ट वन हो जाएगा, सब लिस्ट थ्री लिख दीजिए इसे, इन दोनों में अब होगा, इसको हम लोग क्या नहीं हो जाएगा, सब लिस्ट फोर हो जाएगा, ठीक है, सब लिस्ट थ्री, सब लिस्ट फोर। तो हम लोग चाहे तो सब लिस्ट टू को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सब लिस्ट फोर को कर लेते हैं, इजी हो जाएगा फिर हम लोग को सॉर्टिंग में। तो सब लिस्ट वन में एक को अगर हम लोग पाइवोट पकड़ते हैं, इसे पाइवोट पकड़ेंगे एलिमेंट, तो देखिए इससे छोटा पीछे से लेंगे, इससे जो छोटा उसके साथ रिप्लेसमेंट हो जाएगा, क्या होगा, 40 44, ये सॉर्ट हो गया, ठीक है। ये सब लिस्ट फोर को हम लोग, सब लिस्ट फोर भी मिल गया हम लोग को, इसमें पाइवोट ये था न, 44 था, सॉरी, ठीक है, ये सॉर्ट हो गया। अब हम लोग सिर्फ इस चीज को सॉल्व करेंगे, किसे सॉल्व करेंगे, ये पाइवोट इसमें क्या था, 45 था, 45 पाइवोट था, पाइवोट पहला वाला क्या था, 45 था। अब हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे सब लिस्ट टू को, तो देखिए सब लिस्ट टू में हम लोग पाइवोट किसको पकड़ेंगे, 90 पाइवोट है, हम लोग लिख लेते हैं 55 52, है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पाइवोट पकड़ेंगे एलिमेंट, ये कौन सा है, सब लिस्ट, हम लोग सब लिस्ट टू को सॉल्व कर, ठीक है, पाइवोट है 90, अब पीछे से जो मतलब छोटा रहेगा उसको सामने, 52 छोटा है तो रिप्लेसमेंट कर दिए 55, अब क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 से बड़ा है इधर कुछ तो नहीं, तो 90 ये क्या हो गया, हो गया 90। अब हम लोग इसको सब लिस्ट ये सॉल्व हो गया, अब सब लिस्ट फोर सब लिस्ट फाइव इसको बना लेते, सब लिस्ट फाइव, सब लिस्ट फाइव को सॉल्व करेंगे, ये तो 90 हो गया, सबसे पीछे रहेगा पाइवोट था, तो इसको भी अब छोड़ देंगे, और इस तीनों को हम लोग पकड़ेंगे, ये तीनों को, ठीक है, सब लिस्ट फाइव को सॉल्व करेंगे, 52 क्या है, पाइवोट एलिमेंट है, 77 और 55, पीछे से छोटा है कुछ नहीं है, सामने से बड़ा है 77 बड़ा, पीछे से छोटा है कुछ नहीं है 77 बड़ा, तो इसको भी हम लोग कर देंगे 52। अब इन ये पाइवोट हो गया, पाइवोट है छोड़ देंगे, इसे अब हम लोग सब लिस्ट 6 मान लेंगे, सब लिस्ट 6, 77 इसमें क्या हो जाएगा, पाइवोट हो जाएगा, 55 पाइवोट, क्या करेंगे, 55 को पीछे देखेंगे बड़ा है तो 55 और 77 आ जाएगा। अब हम लोग पूरा हम लोग अपना आंसर लिखेंगे, जैसे कि हम लोग देखिए यहां पर लिख लेते हैं अपना आंसर, ये हम लोग का सबसे पहला पाइवोट में छोटा कौन सा है, 13 है, ठीक है, उसके बाद 13 के बाद देख लीजिए, आई थिंक 40 है, 40, फिर 44 है,
ठीक है 44, फिर 55। अब इसको देखिए 52 है इसमें सॉल्व, 52 फिर 55 हो जाएगा हम लोग का 55 77। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या है सॉर्टिंग आंसर। हम लोग को क्विक सॉर्ट में दोस्तों क्या करना है, पीछे से एक लेंगे छोटा, सामने से बड़ा, ऐसे कर करके सब लिस्ट 1 तोड़ देंगे। सब लिस्ट 2 में भी क्या करेंगे, पहला वाला मैंने शुरू में ही बताया था कि ये कौन सा मैथड सर्च से क्विक सॉर्ट सॉल्व होता है, पार्टीशनिंग मैथड से। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।